केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सीए कानून को लागू करते हुए न जाने कितने ही प्रवासियों की जिंदगी बदल दी। इन्हीं परिवारों में से एक है पाकिस्तान से आया ये सिंधी परिवार, जो बरसों से सूरत में रह रहा है, लेकिन भारत में रहकर भी भारत का न हो सका। हालांकि अब उन्हें भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। पाकिस्तानी सिंधी परिवार के सदस्यों ने इस पूरे सफर की बात की, बोलते हुए उनका मन भारी हो गया और आंखों से आंसू चमक उठे, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू है। मैं आप 26/9/2000 में आया था यहाँ पे। पाकिस्तान से इंडिया आने का रीजन क्या था और इंडिया आके कहाँ पे रुके? पहले अंकल, छोटे अंकल आए थे 83 में आए थे, फिर उसके बाद 90 में अंकल आए थे, बड़े अंकल, फिर और थोड़ा वो भी सेटअप होते गए, फिर दादी भी यहाँ पे ही थी, तो दादी बोलते बच्चे सब साथ में रहे, तो उसकी वजह से एक एक जन करके आया। तीसरा अंकल मेरा 98 में आया था, फिर मैं 2000 में आया, एक एक करके आते गए। वहाँ पे थोड़ा फ्रीडम भी नहीं है, आप जैसे आपका रात को हाईवे पे जाना हो तो आपकी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये बिल जैसे अभी जो लागू हुआ है, नोटिफिकेशन आया है, सबको वजह से हम बहुत खुश है, सब यहाँ पे जल्दी से जल्दी हो जाए। हम जो 9 जन बाकी है इधर अभी अच्छा फैमिली में। हम 1990 में आए थे, तो उसके लिए थोड़ा काम वजह से उठाने के डर की वजह से आए थे। 1990 में आए थे यहाँ से, फिर उसे भारत में आया कि हम खुशी मिली भाई, यहाँ भाई हम सेफ्टी है, इसके लिए यहाँ आए थे। अभी जब आए हैं उसके बाद 2006 में हमारे को सिटीजनशिप मिली, उसके बाद में हम खुशी मिली भाई। बाकी जो 9 लोग बाकी है अभी, उससे ज्यादा खुशी है भाई, इसी लोगों को भी मिल जावे तो ज्यादा खुशी है, बहुत अच्छी बात है। ये तो इससे मिलेगी तो खुशी की बात है, ये तो भाई मार खुशी की बात है। इसमें मार मिल जाती है, अभी सीए जो लागू हुआ है ये तो अच्छी बात है, सबको सिटीजनशिप मिलना चाहिए, वो तो खुशी की बात है भाई। हम भारतीय हो गए तो एक तरफ से हो गए, अभी भारतीय होएंगे तो भारतीय ही बोला जाएगा। अभी वीजा अभी तक जिसकी नहीं हुई है वो तो अभी तक पाकिस्तानी बोला जाता है, वो भारत में अभी आए तो वो भारतीय अभी नहीं बोला जाएगा, इसकी बात है, खुशी की बात है। ये तो बार खुशी का माल है, ये जो सीए आपने कानून लाया अच्छी बात है। सूरत में लंबे समय से रह रहे इन परिवारों का सपना सच हो गया है। सूरत के रामनगर में करीब 10,000 से 15,000 लोग रहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीए लागू होने से कितने ही लोगों की मुश्किलें दूर हुई हैं। उनकी खुशी बांटने के लिए बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी उनके घर पहुंचे और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और वंदे मातरम के नारे लगाकर खुशी जाहिर की। जब विभाजन हुआ तब हमारा वहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन कुल मिला के 24% लोग हम वहां थे, लेकिन वहां इस्लाम धर्म के स्थापना हुई, उन दोनों इस्लाम स्टेट कहलाता थे, लेकिन इस्लाम स्टेट कहलाते थे वहां जो लघुमती है यानी कि हिंदू है, सिख है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, ईसाई, उन लोगों पर अत्याचार शुरू हुआ। आज देखे जाए तो दोनों जगह पर हम 1-2% बचे हैं, तो उन लोगों का वहां रहना, उसके बाद वहां से अपने पहने हुए कपड़े के साथ चला आना, छोड़ देना संपत्ति, छोड़ देना मिलकत, छोड़ देना पूरा जीवन की जो आमदनी वो छोड़ के चले आए, अब यहां आते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में है, तो उनका भविष्य क्या? तो उनका भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा कदम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी ने उठाया है कि यहां इस तरह का जो भी लोग आए हैं वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो नए कानून बना है उस कानून के तहत सबको नागरिकता दी जाएगी। ये बहुत बड़ी घटना थी, वो यूके 15 अगस्त 1947 में कर देना चाहिए था। पहले अंकल, छोटे अंकल आए थे 83 में आए थे, फिर उसके बाद 90 में अंकल आए थे, बड़े अंकल, फिर और थोड़ा वो भी सेटअप होते गए, फिर दादी भी यहाँ पे ही थी, तो दादी बोलते बच्चे सब साथ में रहे, तो
तो उसकी वजह से एक एक जन करके आया। तीसरा अंकल मेरा 98 में आया था, फिर मैं 2000 में आया, एक एक करके आते गए। वहां पे थोड़ा फ्रीडम भी नहीं है, आप जैसे आपका रात को हाईवे पे जाना हो तो आपकी सिक्योरिटी कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये बिल जैसे अभी जो लागू हुआ है, नोटिफिकेशन आया है, सबका वजह से हम बहुत खुश है सब। यहाँ पे जल्दी से जल्दी हो जाए, हम जो 9 जन बाकी हैं इधर अभी।